टीएस सिंहदेव जी, नमस्कार, जितेंद्र सिंह जी, निरंजन पटनायक जी, नरसिंह मिश्रा जी, आरसी कुंटिया जी, भक्तचरण दास जी, जगन्नाथ पटनायक जी, जयदेव जैना जी, प्रसाद हरिचंद्रन जी, तारा प्रसाद बहनपति जी, सुष्मिता देव जी, पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, प्रदीप माझी जी, धन्यवाद। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान पर वायुसेना, हिंदुस्तान की वायुसेना ने आक्रमण किया, बम गिराए, हमारे लोग शहीद भी हुए। 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वायुसेना के लिए हवाई जहाज बना रही है। ओडिशा में यहां पास में कोरापुट में मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज का इंजन बनता है और ओडिशा के युवा, हिंदुस्तान के युवा वायुसेना के लिए हवाई जहाज बनाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो जब एयरफोर्स के विमान हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा करते हैं तो उसमें ओडिशा के युवाओं का भी हाथ है, आपका भी हाथ है। प्रधानमंत्री देशभक्ति की बात करते हैं, एक तरफ देशभक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ वायुसेना से पैसा लेकर अपने मित्र अनिल अंबानी को देते हैं। अब देखिए, एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, अनिल अंबानी ने हवाई जहाज कभी बनाया नहीं, एचएल पर कोई कर्जा नहीं, अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा। यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था कि राफेल हवाई जहाज एचएल बनाएगा, 126 हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए डिसीजन लिया गया। चौकीदार जी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार जी प्रधानमंत्री बनते हैं और वही हवाई जहाज जो 526 करोड़ का है उसे नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि वो अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, हमें तो नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था, अगर फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है तो एचएल हवाई जहाज नहीं बनाएगी, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, फ्रांस की सरकार को, कंपनी को जरूर ज्यादा पैसा मिलेगा मगर ओडिशा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज हिंदू अखबार में छपते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने
एयरफोर्स के अफसरों ने उन कागजों में साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम को परे किया, नरेंद्र मोदी ने स्वयं अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिया। चौकीदार, ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। आपकी जमीन की लड़ाई हम लड़े, जमीन अधिकरण बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, पैसा कानून लाए, हमने हक आपको दिया। कानून में साफ लिखा था बिना पंचायत से पूछे, बिना किसान से पूछे, बिना आदिवासी से पूछे सरकार उसकी जमीन नहीं ले सकती। साफ लिखा था कि अगर आदिवासियों ने, किसानों ने अपनी जमीन देनी चाहिए तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा आदिवासी और किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। आपकी जमीन की रक्षा की, आपके भविष्य की रक्षा की, और पार्लियामेंट हाउस में उसी चौकीदार ने जमीन अधिकरण बिल को रद्द करने की कोशिश की। 3 बार आए, 3 बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपकी रक्षा की। मैं भी खड़ा था लोकसभा में, हमने साफ कह दिया कि आदिवासियों की, किसानों की जमीन आप हिंदुस्तान के 15-20 उद्योगपतियों को नहीं दे सकते हो, और अगर देनी है तो किसान के पूछकर, किसान से पूछकर, आदिवासी से पूछकर, और उसे सही रेट और कॉम्पेंसेशन देकर। लोकसभा में हमने रोका, राज्यसभा में हमने रोका, मगर यहां आपके चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी बीजेपी के सब प्रदेशों में इस बिल को खत्म करने का काम करते हैं। आज ओडिशा में बिना आपसे पूछे, बिना आपको सही रेट दिए, नवीन पटनायक जी आपकी जमीन ले लेते हैं और उनके मित्रों को दे देते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यहां स्टेज पे आज सिंहदेव जी बैठे हैं। बस्तर में टाटा की फैक्ट्री थी, टाटा ने जमीन ली थी, फैक्ट्री लगानी थी, फैक्ट्री नहीं लगी। जमीन अधिकरण कानून में लिखा है अगर किसान की, आदिवासी की जमीन ली गई और 5 साल के अंदर उस पर कारखाना या फैक्ट्री नहीं लगी तो जमीन वापस किसान को, आदिवासी को दी जाएगी। बस्तर में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने टाटा कंपनी से जमीन वापस ली और आदिवासी भाइयों को वापस कर दी। छोटा काम नहीं है भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक काम है। यह आपकी जमीन है, यह आपका हक है। और सिर्फ जमीन का काम नहीं किया हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने से पहले उनको धान का क्या रेट मिलता था, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उनको क्या रेट मिलता है। मैं खुशी से आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान को 2,500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, आज यहां धान के लिए आपको क्या रेट मिलता है? 1600। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो यहां भी आपको 2,500 रुपए से कम रेट नहीं मिलेगा। साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति
अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी चोरी करके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। मगर जब हिंदुस्तान और उड़ीसा का किसान कर्जा माफ करने की बात करता है तो नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम नहीं करने वाले। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले मैंने साफ कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर, 11 दिन में नहीं, 10 दिन के अंदर इन प्रदेशों में हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और भाइयों और बहनों, खुशी से मैं कहता हूं, खुशी से कहता हूं कि तीनों प्रदेश में 2 दिन के अंदर हर एक किसान का कर्जा माफ हो गया। ये काम किए जा सकते हैं, उड़ीसा में पैसे की कोई कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है, जंग जल जमीन जंगल माइन सब कुछ, नेचुरल रिसोर्सेस, मगर आपसे छीना जाता है। और जो आश्वासन हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दिया, वो ही हम यहां पे करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और उड़ीसा में हम किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। समय नहीं लगेगा भाइयों और बहनों, और उड़ीसा में गरीब जनता है, गरीबी की कोई कमी नहीं उड़ीसा में। नवीन जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे गरीब प्रदेश है ये। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट का अनाउंसमेंट हो रहा था, पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि हर किसान को वो दिन के 3.5 रुपए देंगे, सबसे अमीर लोगों को 1,000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान और उड़ीसा के किसान को 3.5 रुपए दिन का, एक परिवार को 17 रुपए। और उधर 5-10 मिनट बीजेपी के एमपी ने ताली बजाई, मजाक बना रखा है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, अगर नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की गरीब लोगों को भी पैसा दे सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। 2019 के चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक काम। माताएं और बहनों आप अच्छी तरह सुनो, मनरेगा हमने दिया, भोजन का अधिकार दिया, किसान का कर्जा माफ किया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सब हमने काम करके दिया है। अब हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को हम गारंटीड मिनिमम इनकम देने जा रहे हैं। मतलब हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके कम से कम आमदनी कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा डाल देगी। मोदी जी 3 रुपए डालते हैं ना, आपका मजाक करते हैं, आपका अपमान करते हैं, चौकीदार, कांग्रेस पार्टी आपको मिनिमम गारंटी आमदनी देगी और हर महीने देगी, जब तक आप गरीबी से नहीं निकलोगे तब तक देगी। आज महिला दिवस है, मैं उड़ीसा की महिलाओं को, देश की महिलाओं को बधाई देता हूं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में उड़ीसा की महिलाओं के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला काम शिक्षा का,
चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, स्कूल में शिक्षा हो, कॉलेज में शिक्षा हो, मेडिकल एजुकेशन हो, कोई भी प्रकार का हायर एजुकेशन हो। ओडिशा की हर लड़की को, हर महिला को मुफ्त में ओडिशा की सरकार शिक्षा देगी। हर गरीब लड़की को शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। जो विधवा पेंशन है, 2000 रुपए का विधवा पेंशन आपको दिया जाएगा। हर पंचायत में एक स्पेशल ऑफिसर जो महिलाओं के लिए वहां पोस्ट किया जाएगा। महिलाओं पे अत्याचार होता है, यहां पे पास में दलित महिला का बलात्कार हुआ, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम हर पंचायत में महिलाओं के लिए एक स्पेशल ऑफिसर पोस्ट करेंगे। और जो हमारी महिलाएं एंटरप्रेनर्स हैं, जो छोटा बिजनेस चलाती हैं, जो समूह चलाती हैं, उनके लिए एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो उनकी मदद करेगा और उनका जो छोटा बिजनेस है, मिडिल साइज बिजनेस है, उसके लिए पूरी की पूरी मदद ओडिशा की महिलाओं को मिलेगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत साल हो गए, नवीन पटनायक जी यहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे गरीब प्रदेश है, 4-5 अफसर आपके प्रदेश को चलाते हैं, आदिवासियों की आवाज, दलितों की आवाज, मजदूरों, किसानों, गरीबों की आवाज से सरकार नहीं चलती, सरकार 4-5 अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा नवीन पटनायक जी के मित्रों का होता है, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं। हम ओडिशा की जनता की सरकार बनाना चाहते हैं, आदिवासियों की सरकार बनाना चाहते हैं, कमजोर लोगों की, छोटे दुकानदारों की सरकार बनाना चाहते हैं, मजदूरों की, माताएं बहनों की सरकार बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि विधानसभा में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपकी आवाज सुनाई दे। हम आपको मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनकर सरकार चलाना चाहते हैं। आप यहां आए, आप सबको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दूर दूर से आप आए और इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।